थोड़े दिन मैंने बात करने वाले वन से एप्लीकेशन के बारे में, जिससे तो आप अपने फ़ोन को काफ़ी मिनिमलिस्टिक जो और जो कोल वॉलपेपर से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट आप कुछ वॉलपेपर्स को आप 4K के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। तो किस तरीके से एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और किस किस टाइप के आप वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, तो आज के वीडियो के अंदर हम आज के वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आता है, जहाँ पर आपको 3 डॉट के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पॉपुलर वॉलपेपर आपको ओपन कर देना है, यहाँ पर आपको एडिटर चॉइस का ऑप्शन ओपन कर देना है, और यहाँ पर आपको सेव सर्च का ऑप्शन ऑन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, और यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर आपको यहाँ पर सर्च करना है। सपोज यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो एनिमे यहाँ पर सर्च करता हूँ। इस तरीके से एनिमेस आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो, या फिर आप 3 डॉट के ऊपर जा करके आप कैंसिल भी कर सकते हो। और जैसे आप इस ऑप्शन को कैंसिल करोगे, इस तरीके वॉलपेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब अपने फ़ोन के लुक के हिसाब से आप वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। सपोज आई थिंक मुझे इस वॉलपेपर डाउनलोड करना है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सेट वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर वॉच स्क्रीन यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वॉलपेपर को अप्लाई होने में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो डाउनलोड करने की लिंक है, उसको मैंने पिन कमेंट्स के अंदर दे रखी थी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली इस तरीके से क्रोम टैब पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, बैक आने अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।